गर्मी नेक्स्ट लेवल हो रही है और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने वैसे बोला था ताजमहल देखना है मुझे, इनका खाना ठूसने जा रहे हैं हम, बताओ यार। खाना हगना ही लाइफ हो रहा है। हम पियेंगे, इतना गर्म पानी है धोया भी नहीं जा रहा है। इसका नाम है सैनिक आराम ग्रह। तो मुस्कुराते रहो, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। मुंबई सेंट्रल यार, शिट। और ये कबूतरों ने फिर से हक दिया यार। तो गाइस मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली। और हम लोग अभी फिलहाल रुके हैं सैनिक आराम ग्रह, ये बोलते हैं शायद इसको। तो फिर कल की है हमारी ट्रेन, मतलब कल की क्या, आज ही की है, शाम 4 बजे की, सुबह के 5 बज रहे हैं बताओ। तो यही नज़दीक था एकदम, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन के। तो फिर गर्मी नेक्स्ट लेवल हो रही है और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, बहुत गंदा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, मगर सामने रेलवे स्टेशन है यार। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। फिलहाल आराम करता है और मुझे जुकाम भी लगता है। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस फिलहाल अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद अगर वीडियो में, यार सुबह से यही आवाज़ है। राहुल मैं अपनी आवाज़ सुन ही नहीं पा रही कि हम एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, इतना शोर हद से ज़्यादा यार। पता नहीं दिल्ली वाले कैसे रहते होंगे, मतलब शायद दूसरी जगह पे अच्छा होगा मगर इस जगह पे लोग कैसे रहते होंगे यार पता नहीं, क्योंकि हम स्टेशन के एकदम बगल में ही हैं और स्टेशन के बगल में भी काफ़ी सारे घर हैं यार, पता नहीं कैसे रहते होंगे। बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, ऊपर से गर्मी इतनी गंदी मैं क्या बताऊँ। पहाड़ में तो पता ही नहीं चल रहा था, थोड़ा दिन में चल रहा था, अगर वो इतना ज़्यादा भी नहीं था। फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, मुझे भूख लग रही है यार। नीचे ही यहीं पे ही नीचे ही एक रेस्टोरेंट है, मतलब ये आर्मी वालों का, तो वहीं पे ही जाएंगे हम लोग। आजकल चल रहे रोजमेरी यूज के ट्रेंड में इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है, नए बालों को उगाने के लिए रोजमेरी कितना इफेक्टिव। इसको देखते हुए मामा अर्थ ने रोजमेरी रेंज ऑफर की है, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, एसेंशियल ऑयल और अभी हाल ही में लॉन्च किए गए स्कैल्प सीरम भी है। जो लोग स्कैल्प सीरम यूज करते हैं, उस सीरम की ड्रॉप को डायरेक्ट स्कैल्प पर लगाते हैं ताकि इफेक्टिव हो और बालों को ऑयली भी ना करे। इन्हीं सभी प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को कम्प्लीट करते हुए मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि 12 हफ्तों में नए बाल उगाता है और बालों को ऑयली भी नहीं करता। इस बिजी लाइफ और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से मेरे बाल काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे, मेरे बाल टूटने लगे थे, रफ हो गए थे और यहाँ तक कि मेरी हेयर लाइन शो होने लगी। बट अब नहीं, क्योंकि मामा अर्थ के रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम घरेलू उपाय के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें है 95% रोजमेरी ऑयल एक्सट्रैक्ट, 4% एनागेन और मेथी दाना। ये कॉम्बिनेशन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और 12 हफ्तों में नए बाल भी उगाता है। साथ ही रोजमेरी को मिनोक्सिडिल से भी ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है कि डॉक्टर्स हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। सो बी श्योर दैट मामा अर्थ रोजमेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम आपके एक्सेसिव हेयर फॉल की टेंशन को दूर करने वाला है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स केमिकली फ्री होते हैं एंड ऑल नेचुरल होते हैं। आप इसको Amazon, Flipkart, Purple, Nykaa से भी परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल जाता है, वैसे ही ये आपको आपके घर के नियर बाय स्टोर में भी आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई मामा अर्थ स्टोर मिले, मुझे मैसेज या कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरम को यूज करने के बाद मुझे जो एम्बैरेसमेंट होती थी मेरे हेयर लाइन की वजह से, अब वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। मामा अर्थ आपकी बात सुनता है, इसलिए इनके प्रोडक्ट यूज करें और अपना फीडबैक इनके साथ शेयर करें। आपके ही फीडबैक के बेसिस पर मामा अर्थ ने अपना ऑनियन शैम्पू में इम्प्रूवमेंट किया है।
प्लस मामा अर्थ अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यू रिसर्च एंड इनोवेशन कर रहा है। आपको ये सीरम एक बार डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। दोबारा सब कमरे में आ गया और जुकाम से हालत खराब हो रही है इतनी ज़्यादा, और इतना शोर शराबा, ऊपर से गर्मी इतनी गंदी वाली। मैंने राहुल की टी शर्ट डाली क्योंकि वो गर्म हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। मौसम भी ठीक ठाक ही हो रखा है देखो अभी तो फिलहाल, मगर फिर भी गर्मी लग रही है। और मतलब ये कैबिनेट ही है यार सारे ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही हर जगह। तो हमारी जो ट्रेन है वो 4 बजे की है, 4 बजे की है, 4 बजे की है। तो तब तक हमने सोचा फिर बाहर क्या जाए, यहीं थोड़ा रह लेते क्योंकि बाहर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने वैसे बोला था ताजमहल देखना है मुझे, मगर वो 3.5 घंटे की दूरी पे है यहाँ से। तो हमने सोचा कि यार छोड़ो, कमरे में ही रह लेते, फिर थोड़ी देर बाद ट्रैवल करना है। दिन का खाना ठूसने जा रहे हैं हम, बताओ यार, खाना हगना, खाना हगना ही लाइफ है। बस फिलहाल हम खाना खा के आ गए हैं, और क्या बोलते हैं, हमें अभी 3 बजे निकलना है और 4 बजे की हमारी ट्रेन है। और मैं अभी गई थी ना वॉशरूम, वॉशरूम में जो पानी आ रहा है ना, उबला हुआ पानी आ रहा है जिसको हम फूक फूक करके पी सकते हैं। मतलब फूक मारनी पड़ेगी तब जाके वो फिर ठंडा होगा, तब जा करके हम पियेंगे। इतना गर्म पानी है, धोया भी नहीं जा रहा है, इतना गर्म पानी है भाई साहब। मतलब जैसे हमें उबालते हैं ना, गर्म करते हैं, पीने लायक भी नहीं है, फूक फूक करके पीना पड़ता है उतना गर्म पानी। और सोचो क्या हालत हो रही है, धो तो हम सकते नहीं, इसलिए मैं वॉशरूम जा ही नहीं रही हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। बस टाइम है अब जाने का। इसमें हम रहे थे, ये हमारा रूम, और फौजियों के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी करी है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर आप भी फौज में, और जब भी मतलब ऐसे ओल्ड, ये कौन सा ओल्ड दिल्ली है ना, ओल्ड दिल्ली के जस्ट बगल में ही है यार ये, और अच्छा है यार। अगर आपको नहीं पता है तो आई होप आपको मेरी वीडियो से पता चल गया होगा। तो आप, इसका नाम है सैनिक आराम गृह। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में तो नहीं बताया था क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। तो गाइज़ ये फैसिलिटी फौजियों के लिए है, और ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में सैनिक आराम गृह। तो मतलब ये कुछ रुपए में होता है, और आप कुछ मतलब दे सकते हो उसमें, ऐसे बुक भी कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता। मगर हम वहाँ गए थे ना, तो हमको भी पता नहीं किसने बताया था ये, तो हमको पता लगा, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो काफ़ी सही है। वो जो था होटल जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, उससे तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस इसका, और इतने सस्ते में। मतलब शायद कितने में था यार, मेरे को 100 रुपये से भी कम में था ये, घंटों के हिसाब से होता है शायद। तो इस तरीके से था ये, और आपका लगेज भी अलग रखा जाता है, और आपको ऐसे कैबिनेट वगैरह दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है तो आई होप मेरी वीडियो से पता चल गया होगा। अगर आप भी कभी ऐसे रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं तो आपको ऐसे आराम गृह मिल जाते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं और ऐसी फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। जब ये धारा 3 साल से रोज रोज झुक जाते थे, इसीलिए इन घटनाओं का निपटारा मजबूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। लोगों ने कहा इससे क्या फर्क पड़ा है, ये हमारी निकम्मी पार्टी है तो बैठे हैं, इन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ा। तो हमने कहा मुझे देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, और उस देशद्रोह के घर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, और धीमा ही सही तमाचा पर उसके निकल मारा तो आपके लिखे थे कि भैया कुछ लिखा हो, कुछ पकड़ा हो, कुछ ढूंढा हो, कुछ बनाया हो, खिचड़ी बना दी थी पूरी। लो हमने तुम सीधी कर दी उन आतंकी नेताओं की, और जो उछल रहे थे आर लिए उन अलगादी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रख दी, अखबार बना डाला, और कश्मीर को पत्थरबाजी का
बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी हिज्जत उड़ाई ने और सबकी ऐसी तैसी कर दी अकले मोटा भाई ने। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आज दिन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, झटका दो जो सेना पर पत्थर फेंक के लाल चौक पे लटका दो। सेना को इतना समझा दो कि दुश्मन के खंजर भोंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सर सौंपे, और तभी तो जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तान। नहीं भागता हूँ, बहुत अच्छी बात है, पैसे के पीछे जिंदगी रख जाती है, पैसे कभी कम नहीं होते। पैसा वैसा है, ये जमी भी तुम्हारी है, आसमां भी तुम्हारा है, और अगर रोने बैठ गए तो हिंदुस्तान के किसी मील में रुमाल नहीं बना है जो रोते हुए आदमी का आंखों पर सी है। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हंसती जिंदा। हम सहलेते हैं वरना जिसने हम चाहेंगे एक कल गुमान नहीं होगा, और सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। आप भी सोच रहे होंगे मैं कहां पर भगवान के पास बैठ गया हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं राजा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जानकारी है ना, जो लड़ाई हुई तो पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तानी एक सेना का सर काट के ले गए जवान का। हिमराज की बात कर रहे हैं, एक तो हिमराज की कहानी हुई थी, मैं तो लगे काफी जो पुरानी बात। ओके ओके, तो मैंने अपने पूछा कि यार ये हमारे बेटे का सर काट के ले गया है, ये वहाँ करेगा क्या जाके इसका? इसका जवाब आप लोगों कहेगा, शायद अपनी और शायद फौज को दिखाना चाहता है हिंदुस्तानी बहादुर बेटे का सर होता था ना, इतना कुछ तो सकता है लेकिन सुनते हैं ये बात धंधा रहे तुम। कौन कहता है नारी भारत में अबोला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहू मनवाया है, और माया ने मुलायम है, और उमा जी ने दिक्की राजा, और शीला जी ने दिल्ली में झंडा फहराया है। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। सारे पति आज से जाना इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है, और दिन को कभी कभी ये रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे की नीचे बताना है। और नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, गीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है, और इसमें भी पल भर देरी की तो समझो घर में ही राष्ट्रपति शासन लगवाना। कैसा रहा समय भाई साहब? एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जो आपके सोच रहा बच्चों को सेम सोच रहा भाई, भाई अभी तो मैं यही करता हूँ, आपके ऊपर वाले मन से कहाँ ले रहा आप सोचते ऐसा सोचते हैं, मतलब बहुत दिनों बाद मुझे इससे कोई मिले जिनके साथ में अच्छा लगा कि आप फौज के बारे में कितनी सकारात्मक सोच रखते हो। बस चलो, आपका नाम क्या होगा? तो हमारा नाम पप्पू शुक्ला कहते हैं, नाम राहुल है। बहुत अच्छा लगा आपसे, ठीक है भाई। हाँ, अंकलों की सोच फौजियों के लिए अलग थी और अच्छी थी, और आज हम तेजस में ही जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, बाहर जो लू चल रही ना, तबीयत खराब करने वाली चल रही, तबीयत खराब, बहुत ही
रिलीफ मिल रहा है ना, मजा आया। और ये तेजा सा अच्छी है, साफ सुथरी। तो नहीं टूटा है, तो सीधा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, उठ जाएगा, ऐसे सपोर्ट तो है उसपे। अब क्या होगा जैसे कुछ होगा, क्या 15 मिनट तक रहेगी अभी यहाँ पे? 15 मिनट तक ही खड़ी रहेगी, जिसने खींची है उसको उसको सज़ा मिलेगी, टाइम मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा। पता लग जाएगा कौन से डब्बे से खींचेगी। पता चल गया B2 से B1 से B1 है चलेगी तो लू आएगी, हवा नहीं आएगी। वैसे हम पहुंचने वाले हैं, हमने टैक्सी बुक कर लिया और अब जाते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं रूम में। यहाँ के हालत देखो यार, इतना सच सही करके गई थी मैं कबूतर से बचाने के लिए। ये तो फिर उड़ गया यार, ये यहाँ ऊपर लगा के गई थी, सारे उड़ कैसे गए? आंधी तूफान यार, शिट। और ये कबूतरों ने फिर से हक दिया यार, ये दिमाग ही खराब हो रहा मेरा।